सारे पंजाबी ने जिन्होंने विदेशी धरती से मल्लां मारियां, कोई सियासत का खिडारी है, कोई खेडां का सरताज है, कोई बागां का मालक है, किसी के साले उत्तरी अमरीका गेड़े लाते हैं। पर सरदार अजय सिंह चक्का वो शख्सियत है जिसने पंजाबी भाषा साहित सभ्याचार का झंडा बुलंद किया है। दुनिया भर में पंजाबी उसू विश्व पंजाबी कांफ्रेंस के प्रबंधक वजों जानते हैं। असल में सरदार अजय सिंह चक्का एक सफल वकील ही नहीं सगो मां बोली पंजाबी का पहरेदार है। कुलदीप नैयर जी की रिपोर्ट तो बाद कि पंजाबी भाषा 50 सालों में खत्म हो जाऊगी, तो 2008 के डॉक्टर दर्शन सिंह बैसवा मेरे गल की सी भी आपां वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवानी हैगी आ। भावें पंजाबी भाषा हिंदुओं की भी आ, मुसलमानों की भी आ, क्रिश्चियनों की भी आ, सिखां ते थोड़ा जिहा बोझ इस करके ज़्यादा क्योंकि साढ़े गुरु ग्रंथ साहिब ते होर बहुत सारा साहित पंजाबी विच लिखा हुआ। जे सचमुच ही वो शंका सच हो जाए 50 साल पंजाबी भाषा खत्म हो जाए तो साडा सारा ही साहित कोई भी नहीं पढ़ सकूगा, तो कुछ ग्रंथी रह जाएंगे जेडे गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ सकनगे, आम आदमी नहीं पढ़ सकूगा। इस करके वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवाउणियां शुरू की। सरदार अजय सिंह चक्का का जन्म साल 1957 उन्होंने नानके पिंड मराजवाला विच माता शमिंदर कौर दे पिछों होया, जो कि पंजाब विच दुआबे दे जिला जलंधर विच पैंदा है। सरदार चक्का दे पिता श्री जोगिंदर सिंह चक्का अते माता शमिंदर कौर दी दूर अंदेशी सोच का असर ही है कि श्री अजय सिंह चक्का बचपन तो ही स्कूली पद्धर से वड्डियां मल्लां मारन लगे। चक्का साहब अपने सारी जिंदगी विच टॉपर ही रहे, कॉलेज दे विच 4 साल टॉपर रहे, स्पोर्ट्स विच टॉपर रहे, कबड्डी विच भी टॉप रहे, तो यूनिवर्सिटी विच आके ही अपने 2 साल कबड्डी विच टॉपर रहे, तो स्टूडेंट यूनियन विच काम करके अपने टॉप, तो उसे भी प्रधानगी इन्होंने माणी, ये सारी जिंदगी टॉप टॉप से रहे। मेरी हुण भी दुआ है इस तरह टॉप से रहते हुए अपनी इस पंजाबी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अगे ले जाए। पहला उन्होंने जिला जलंधर विच शाहकोट के बिल्कुल नाल लगते पिंड ढंडोवाल के सरकारी प्रायमरी स्कूल तो प्रायमरी की पढ़ाई शुरू की, फिर पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल शाहकोट तो 8वीं तक की पढ़ाई मुकम्मल की। सरदार अजय सिंह चक्का साढ़े इलाके शाहकोट के पिंड ढंडोवाल के जंपल ने, इस परिवार ने आर्थिक खेत्र विच, समाजिक खेत्र विच, राजनीतिक खेत्र विच बड़ी उन्नति की है। जिहड़ी सब नूं महत्वपूर्ण गल आ कि चक्का परिवार ने आप तां उन्नति की आ, इलाके की उन्नति विच भी बड़ा योगदान पाया इस परिवार ने। इस तों बाद सरकारी स्कूल नंगल अंबियां तों मैट्रिक करन तों बाद उन्होंने गुरु नानक कॉलेज नकोदर तो BA की डिग्री मुकम्मल की। इस तो बाद सरदार अजय सिंह चक्का ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 1988 LLB की पढ़ाई मुकम्मल की, नकोदर विखे ही कॉलेज शुरू की। चक्का साहब ने 1982 मेरे नानके बतौर वकील मुताल ज्वाइन उन्होंने मैं मेरी शक्ल तो इन्ना प्रभावित होया कि उन्होंने अपने प्रोफेशन नकोदर बाहर मिलते जाके भी उसे बहुत इंसाफी की, ताकि लोगों ने सस्ता न्याय मिल सके, गरीबों दहां फड़िया गरीबों ने सस्ता कानून दिलाने बड़ी सहायता की। इस बदौलत इन्होंने बार के प्रेजिडेंट भी बनाया गया। इस तो बाद 1982 जिंदगी नवा मोड आया जदों मात भाषा पंजाबी विच खोज कार्ज करन वाली पंजाबी विभाग की बहुत ही सूझवान विद्यार्थन बलविंदर कौर उन्हां दी जीवन साथन बनी, अते श्री अजय सिंह चक्का नूं वकालत दीआं बरीकियां दे नाल नाल पंजाबी भाषा दीआं बरीकियां बारे भी जाग लग गई। मेरा नाम बलविंदर कौर चक्का, मैं चक्का साहब अजय सिंह चक्का उन्हां दी वाइफ हाँ। अजय सिंह चक्का एक बहुत ही वधिया शख्सियत के मालक ने, इन्हों का जिहड़ा जीवन है छोटे जे पिंड तो शुरू हो के अज कनेडा तक असीं पहुँच गए, इसका जिहड़ा सारा सिट्टा है सारी लाइफ का सेहरा जिहड़ा अजय सिंह चक्का उन्होंने नाते है।
सरदार अजय सिंह चट्ठा बाद प्रवास समेत कनेडा की धरती से चले गए और कनेडा में एक उच्च कोटि के वकील वजो स्थापित हुए। बड़े मेहनती और चंगे शीयर के मालक ने जोड़ा कि अजक लाहौर जोड़े आ उन्होंने को पांच मिनट भी नहीं होंगे ये तकरीबन साढ़े न हमेशा हर रोज़ ही अन जोड़ा कि कोई टाइम ही नहीं है तकरीबन सवेरों लैके शाम तक जो भी असं कोई आवाज मारने को पेपर वर्क करना हूँ हमेशा ही साढ़े ना खड़े चंकी फैमिली दे इतों पता लगता भी चंकी फैमिली इन्हों का संबंध आस इन का बहुत बहुत धन्यवाद करता जोड़ा कि कानपंस में इस कामयाब करने बड़े तगड़े तगड़े जोर शोर के नाल इहो जिहड़े कि कम कर रहे हैं। जेकर चट्ठा साहब की गल की जाए तो चट्ठा साहब जिहड़े कि वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी हैं उस वकील भी हैं अपने रुझेवियां भरी जिंदगी दे विचों वो टाइम कढ़ के पंजाबियों की सेवा दे लई जिहड़े आ वो कम कर रहे हैं। चट्ठा साहब एक सफल वकील सहयोग प्रबंधक ही नहीं सगो चंगे पुत्र चंगे पति चंगे भरा चंगे बाप अते चंगे यारां दे यार भी हैं। सरदार अजय सिंह चट्ठा के पुत्र अजविंदर सिंह चट्ठा भी कनेडा के सफल वकील ने। उन्हां दी पुत्री गगनदीप कौर चट्ठा भी कनेडा विच वकालत के खेत्र विच वड्डियां मल्लां मार रही है। सरदार अजय सिंह चट्ठा के पोते अजमीत सिंह चट्ठा अते दोते साध सिंह चौहान नूं भी बचपन विच ही बेहद सुखावा माहौल मिल रहा है। सरदार अजय सिंह चट्ठा अज भी अपनी धरती नाल जुड़े हुए ने। उन्हां दे विद्यार्थी जीवन दीआं यादां गुरु नानक कॉलेज विच समोईआं होईआं ने। गुरु नानक कॉलेज नकोदर दे प्रिंसीपल डॉक्टर जसपाल सिंह नूं भी माण है इस कॉलेज दे विद्यार्थी ते। मैं प्रिंसीपल डॉक्टर जसपाल सिंह जिन्हां ने कि 2004 तों ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਕੋਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2009, 2011 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਿਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜੀ ਅਨੂਠੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਲੂਮਨਾਈ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੂੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ,
हमेशा हर चुनौती खिड़े मत्थे कबूल करने वाली शख्सियत महफलों का श्रृंगार अजैब सिंह चट्ठा। परमात्मा करे सरदार अजैब सिंह चट्ठा की उम्र लमेरी होवे अते ओ वकालत के खेत्र विच इतिहास मल्ला मारन अते मां बोली पंजाबी लई यतनशील रहन। पंजाब पंजाबी अते पंजाबियां दा ये चिराग हमेशा जगदा रहेगा।